हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। इन तीनों सब्जेक्ट में आपके तीन तीन पेपर्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में पहले तीन पेपर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से जूलॉजी में भी आपके तीन पेपर हैं, फर्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड एवोल्यूशन, सेकंड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स और थर्ड पेपर है डेवलपमेंट बायोलॉजी। इसी तरह से बोटनी में भी आपके तीन पेपर हैं, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, और सेकंड पेपर है आपका एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा, और थर्ड पेपर है आपके टेरिडोफाइट्स एंड पेलियोबोटनी। अब जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके टोटल 9 पेपर होंगे, तीन पेपर केमिस्ट्री के, तीन जूलॉजी के और तीन बोटनी के। अब केमिस्ट्री के अंदर कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, मतलब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो केमिस्ट्री में टोटल जो होते हैं एक पेपर में आपके तीन पेपर, तीन पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे जो मैक्सिमम 15 नंबर के होंगे, और इनका आंसर आपको 20 वर्ड्स के अंदर देना होता है। तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 1.5 नंबर का हो गया। इसी टाइप से पार्ट बी में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और वो 15 नंबर के होंगे, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया और आपको ये जो है 50 वर्ड के अंदर लिखना होगा। और इस टाइप से ही पार्ट सी में आपके 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब कि इसमें जो होगा कि हर यूनिट से आपके जो है 2-2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको एक चूज़ करके सोल्व करना है, ठीक है। तो पार्ट सी में आपको 3 यूनिट के जो है क्वेश्चन देखने में मिलेंगे और उनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं अथवा में होंगे वो, और इसका मैक्सिमम आपके 20 नंबर है और इनका आंसर आपको 400 शब्दों में देना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें होता है वो 7 नंबर का, दूसरा भी 7 नंबर का, तीसरा जो क्वेश्चन होता है लास्ट वाला वो आपके 6 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल जो है 3 क्वेश्चन के आपके 20 नंबर हो जाते हैं। अब आपके जूलॉजी और बोटनी में बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों में पैटर्न जो है सेम रहता है। तो जूलॉजी में भी आपके जो होते हैं तीन पार्ट्स होते हैं, ए, बी और सी, टोटल 50 नंबर का पेपर है, और पार्ट ए जो होता है आपके वो 10 नंबर का होता है और उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, और पार्ट बी में जो है आपके 5 क्वेश्चन आते हैं और ये 10 नंबर का होता है, मतलब कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का। और इस तरह से ही पार्ट सी में आपके आते हैं 6 क्वेश्चन, उस तरह से 6 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन जो होते हैं करने होते हैं, और इनमें भी हर 2 क्वेश्चन जो होता है हर एक यूनिट से आता है, मतलब 2 क्वेश्चन ईच यूनिट से आता है, ठीक है। और ये जो होता है 30 मार्क्स होता है, मतलब इसमें जो है एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर का होगा और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 40 वर्ड में आप आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आता है कि जो बोटनी और जूलॉजी है उनमें जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पार्ट सी का वेटेज में 30 नंबर का है और दोनों पार्ट मिला के भी इसमें जो हो रहे हैं 10 और 20 नंबर ही हो रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट ए और पार्ट बी मिला के 20 नंबर हो रहे हैं, जबकि पार्ट सी में 30 नंबर हो रहे हैं। तो पार्ट सी के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें फोकस करके ज़्यादा फायदा है, जबकि जो केमिस्ट्री है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी का मिला के 30 नंबर हो रहे हैं और पार्ट सी केवल 20 नंबर का ही है। तो उसमें जो है वो वेटेज किसी का ज़्यादा नहीं है, लगभग लगभग बराबर ही है। तो इस तरह से आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, जिसमें आपके 9 पेपर होंगे। और मैंने आज इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल विजिट करके उसको देख सकते हैं। और इसी तरह की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर